तो संवत के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते बढ़ते हम आ गए हैं माघ के महीने में, जो है हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना। माघ शब्द आया है माध से, माध आया है भगवान कृष्ण के एक नाम माधव से। तो ये महीना भगवान कृष्ण का अति प्रिय महीना है। माघ माह में सूर्य की किरणें अपनी उत्तम ऊष्मा प्रदान करती हैं। इस समय सूर्य की किरणों को ग्रहण करना शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। मौसम की अगर बात करें तो माघ के महीने में सर्दी अपने तेवर कम करने लगती है और वसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से भी जो पहला निर्देश है कि अब माघ के महीने में गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। माघ के महीने में गर्म पानी को छोड़ के सामान्य पानी से नहाने का विधान है। हो सके तो एक बार भोजन करना चाहिए और हल्के भोजन की तरफ बढ़ना चाहिए। माघ के महीने में तिल और गुड़ का सेवन अति लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तिल और गुड़ हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। सो हमने संवत में हमेशा देखा है कि जब भी कोई मौसम या एक ऋतु दूसरे ऋतु में बदलती है, ऐसी चीजों का सेवन किया जाता है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और शरीर एक ऋतु से दूसरी ऋतु में अपने आप को ढाल सके। माघ के महीने में कल्पवास किसी भी नदी के तट पे, संगम पे करने का विधान है। इसके बारे में एक शास्त्रों में कहानी है। कहते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी और देवराज इंद्र का हृदय उन पे आसक्त हो गया। देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहिल्या का पतिव्रत भंग कर दिया। गौतम ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बना दिया, जिनका उद्धार भगवान राम ने किया। लेकिन देवराज इंद्र को श्राप दिया क्षय रोग का। जब देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी तो गौतम ऋषि ने दयावश उनको कहा कि संगम पे जाके गंगा स्नान करने के लिए। माघ के महीने में गंगा स्नान करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इंद्रदेव ने संगम पे स्नान किया और पापों से मुक्त हुए। तो ये है महिमा माघ के महीने की। अगर हम त्योहारों की बात करें तो माघ महीने में पड़ने वाला पहला त्योहार है संकष्टी चतुर्थी, इसे सकट चौथ भी कहते हैं, और ये व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद माघ महीने में आती है मकर संक्रांति, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति पे दान करने का बहुत बड़ा विधान है। इसी के साथ माघ के महीने में आगमन हो जाता है वसंत ऋतु का और फिर आती है वसंत पंचमी, जब विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पुराने भारत में वसंत पंचमी के दिन से ही विद्या उपार्जन की शुरुआत होती थी। जो भी छात्र गुरुकुल जाते थे उनकी शिक्षा वसंत पंचमी से ही शुरू होती थी। तो ये है महत्ता माघ के महीने की। हमें उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड में दी गई जानकारी रोचक लगी होगी और लाभकारी भी लगेगी। बने रहिए हमारे साथ संवत में अगले एपिसोड में, क्योंकि वो है आखिरी एपिसोड संवत का, जिसमें बात करेंगे फाल्गुन मास के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।